हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग करूँगी। जानेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या हो रहा है और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे चलकर क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए, क्या करंट चैलेंज आया हुआ है आपकी जर्नी में और डिवाइन किस तरह से गाइड करेंगे आपको। ये सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुंचे आप देख सकते हैं आराम से, आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। ओके, इमोशनल लॉस नंबर 5, इमोशनल लॉस शैडो नंबर 18, स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसेस, ये साइन दिख रहे हैं मुझे अभी तक। चूज वाइजली एंड विजडम नंबर 5 अगेन। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। कुछ तो रिकॉग्निशन मिला है आपके पार्टनर को, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को। यहाँ पे मुझे टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ठीक है, कैप्रिकॉन, वर्गो, ये साइन थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो देखो, वैसे तो कन्फ्यूज्ड है ये, हो सकता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर कन्फ्यूज्ड है। देखो, हीलिंग तो चल ही रही है इस पर्सन की। ये अभी भी अपने आप को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, कितने इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, कितने और इम्प्रूवमेंट्स लेकर आने हैं, ठीक है, इस तरीके से सोचते तो हैं और अपनी हीलिंग पर काफ़ी फोकस किया हुआ है। हालांकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, क्या चीज़ें अपने करियर के लिए सिलेक्ट करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है। वैसे तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई करनी है या कोई कोर्स करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इनको अपने करियर में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए इसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न अभी भी है। आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन, कुछ रिवॉर्ड तो मिल चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा ये शांत हैं, लेकिन ये अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी उदास दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। हो सकता है ये अपने लव कनेक्शन को लेकर ही हर्ट हैं और आप भी हर्ट हो गए। दोनों हर्ट दिख रहे हो, इसका मतलब है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपके कनेक्शन में इस टाइम, क्योंकि ये पर्सन बहुत सारी बातें अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं और आपको बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। हालांकि काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल हुई है, बट अभी भी उतनी काफ़ी नहीं है, अभी और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अवेयरनेस नंबर 1, विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, नंबर 6 अगेन, थर्ड आई चक्रा, पेशेंस, क्राउन चक्रा, पावर का कार्ड है यहां से, हार्ट चक्रा, वाओ, ये आपका इंतजार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन आपका, ये कहीं आपको छोड़ के नहीं जा रहे या आगे नहीं बढ़ रहे लाइफ में। इसको अवेयरनेस है कि ये कनेक्शन आपका फेटेड है, डिवाइन कनेक्शन है, इसको समझ आती है ये बातें, इसका थर्ड आई चक्रा बैलेंस है और ये पर्सन चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी लाइफ में विक्ट्री आ जाए, सक्सेस आ जाए। ये पेशेंस रखे हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। इस पर्सन का क्राउन चक्रा बैलेंस है, इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा बैलेंस है, इट मीन्स इसको रियलिटी दिख रही है इस टाइम कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि अपने करियर में, करियर को लेकर परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भूलेंगे इस परेशानी की वजह से, ठीक है। आप इसके लिए स्पेशल थे, स्पेशल हो और हमेशा ही स्पेशल रहोगे, ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और यस, पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने और इस पर्सन को काफ़ी विजडम है, ठीक है, कि ये कनेक्शन क्या है और क्यों बना ये कनेक्शन, इसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें क्लियर मैं देख पा रही हूँ।
आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो ये देख लेते हैं। दोनों को डर है कहीं रिजेक्ट ना कर दो एक दूसरे को। अरे ऐसा डर क्यों है जब पेशेंस रखा। इनसिक्योरिटी, ओ माय गॉड, जरूरत नहीं है इस चीज की। आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है, थोड़ी हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, ठीक है। रिजेक्शन का डर अपने अंदर से निकाल दो। क्लियर दिख रहा है आप दोनों लोअर फ्रिक्वेंसी जोन में हो, बोर हो रहे हो, इनसिक्योरिटी आ गई दोनों के दिल में, मन में, माइंड में, और रिजेक्शन का डर है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? फेथ रखो अपने कनेक्शन पर, डिवाइन आपको मिलाएंगे, परफेक्शन है आप दोनों के अंदर। फेथ रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो लोअर फ्रिक्वेंसी जोन में दिख रहे हो मुझे, दोनों ही, एक नहीं दोनों ही। दोनों को रिजेक्शन का डर है, दोनों को डर है कि कहीं ये कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए, जबकि होगा ही नहीं। जब डिवाइन कनेक्शन है तो क्यों ख़त्म होगा? आप बने ही दोनों एक दूसरे के लिए हैं, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगा ये कनेक्शन? डिवाइन ख़त्म होने देंगे इस कनेक्शन को? बिल्कुल भी नहीं। आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, और आपको अपना तो खुद को पता ही है कि आप भी वेट कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं। ये रिजेक्शन का डर निकाल दो। दोनों के दिल की फीलिंग्स हैं। देखो आप दोनों एक दूसरे को डेट करना चाहते हो, लाइफ स्पेंड करनी है, अबंडेंस लाना है इस कनेक्शन में। ये तो थिंकिंग है आप दोनों की, ठीक है। इनर पीस चाहिए बस। हालातों को देख के डर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे हालातों को देख के डर रहे हो कि काम नहीं बन रहे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ओवर थिंकिंग का तो कोई इलाज ही नहीं है ना। इसका इलाज सिर्फ ये होता है फेथ, और यही रखना पड़ेगा आपको। फेथ रखो, आपका डिवाइन कनेक्शन है, कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। हीलिंग हो रही है आपकी, बस इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ऐसा थोड़ी ना है कि कनेक्शन ही ख़त्म हो रहा है आपका। सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा सोचो, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, इमोशनली काफ़ी सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है। आप तो ऑलरेडी इस पर्सन के माइंड में हो ऑल द टाइम, ये नहीं भूलते आपको कभी भी। देखो हेरोफेंट का कार्ड है, एक्शन एक्शन लेंगे ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में, यू नो क्लियर आ रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। हमेशा आपका ये जो कनेक्शन है ना, साइलेंट मोड पर नहीं रहेगा, एक्शन लेंगे ये। लेकिन करंट चैलेंज भी देख लेते हैं क्या है अभी। चैरियट का कार्ड है, ये एक्शन, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है। अपने पता है क्या, आप लोग ना अपने अपने सपनों को पूरा करने में बिजी हो, दैट इज़ वाई यही करंट चैलेंज है। अपनी विशेज पूरी करो, देखो फिर कैसे चेंज आएगा यहाँ पर। बट ये भी अपने टाइम पर ही पूरी होंगी, है ना, इसीलिए आपका कनेक्शन सफ़र कर रहा है। बट आप दोनों देखो एक साथ ही खड़े हो, चाहे तूफान में खड़े हो, चाहे यू नो एक अच्छे माहौल में खड़े हो, लेकिन यस प्रॉब्लम में तो है कनेक्शन, और प्रॉब्लम का सलूशन टाइम के साथ आ जाएगा, डोंट वरी। ये पर्सन तो एक्शन लेंगे, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। हालांकि अभी आप ऐसा लग रहा है कि यू नो एक पहिए पे खड़े हो, गिरोगे या बैलेंस बना रहेगा, कुछ नहीं पता क्या होगा आगे। आप आगे बढ़ने में बिलीव करो, भगवान को जो देना होगा अपने आप देंगे। आप ज़्यादा सोचा करो मत, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको परेशानी ही देगी, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा आपके पास, परेशानी ही मिलेगी। रिजेक्शन तक का डर है आप दोनों के अंदर, तो फिर अब क्या ही होगा? रिजेक्शन नहीं होगा, एक्शन लेते रहो बस, अपने आप मिलेगा आपको आपका रिवॉर्ड, ठीक है। डिवाइन ने तो ये डोर खोल दिया ना आपके लिए, आपकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए। डरो मत, जब डिवाइन, फेथ, फेथ तो मस्ट है आपके लिए, फेथ रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक कार्ड आया, एनवी, और जेलसी नहीं फील करनी, दूसरों का सब कुछ हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। स्ट्रेंथ रखो, ठीक है, सब अच्छा होगा आपके साथ भी। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है आपको भी। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, अंडरस्टैंडिंग तो है ना यहाँ पे। यू लव मी द वे नोबडी एल्स डस, यू आर फनी, यू आर डेडिकेटेड इन आर रिलेशनशिप, एंड यू मेक मी कम्प्लीट। देखो आप इन्हें कम्प्लीट कराते हो, आप बहुत डेडिकेट हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपने ऑनेस्टी दिखाई इस कनेक्शन में,
और आप बहुत फनी भी हो, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हो उसकी लिमिटेशंस, एक्सेप्ट भी कर लेते हो, जैसा आप प्यार करते हो किसी ने आज तक किया नहीं है इसको इस तरह से प्यार, तो इतनी अच्छी फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, सब अच्छा हो जाएगा। आप ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, ओवर थिंकिंग मत करो, बस फेथ रखो, रिजेक्शन का डर आप निकाल दो, क्योंकि हो सकता है अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो आपके पार्टनर भी पॉजिटिव सोचने लगेंगे, ठीक है। एडवाइस मैं देख लेती हूँ आपके लिए, वर्क थ्रू योर फियर, अपने डर पर काम करो, वर्क थ्रू योर फियर, यही आ रहा है आपके लिए। ये जो रिजेक्शन का डर है इसे निकालो अपने, इस पर काम करो। आप तो दोनों चाहते हो कि डेट करोगे एक दूसरे को, और आपके पार्टनर एक्शन भी ले लेंगे, थोड़े टाइम बाद चेंजेस आएंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। टेंशन मत लो, फेथ रखो, बस यही करना है। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।